वचन गया, विश्वास नहीं किया, इस करके परमेश्वर ने अन्य जातियों नू मौका दिता, यानी कि तानू और मिन्नू ये मौका मिलिया वगा वचन देते विश्वास करन दा। आज परमेश्वर दा वचन आडे कोल पहुंचा वा, वचन विच लिखिया कि स्वर्ग दा राज उस राजा दे समान आ जिन्हें अपने पुत्र दा विवाह रखिया और उहदे विच सारियां नू बुलाया। ओ भैण और भरा, आज प्रभु यीशु मसीह ने यानी कि परमेश्वर ने जगत दे नाल इन्ना प्यार किया कि उन्हें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नू हाडे वास्ते इस दुनिया विच कला दिता, उन्हें अपनी जान दे दिती, उन्हें अपना खून बहा दिता। जेड़ा भी कोई उहदे ते विश्वास करूगा, जेड़ा कहूगा अपने खून दे नाल धो के मैनू पवित्र कर, उह जेड़ा वा ब्याह विच शामिल होगा, उन्हों सफेद वस्त्र दिते जाणगे, पवित्रता दा जीवन दिता जाऊगा, पवित्र आत्मा उन्हों मिलूगी, उह जेड़ा वा भोजन दे विच शामिल हो सकदा वा और परमेश्वर दे कोल वो जा सकदा वा। ओ भैण और भरा, बस करना की आ, विश्वास करना वा प्रभु यीशु मसीह दे नां ते। इजराइलियां ने सोचा दूसरे राह तो अहीं स्वर्ग दे राज विच पहुंच जांगे। ओ भैण और भरा, परमेश्वर दा वचन आंदा वा मार्ग और सच्चाई और जीवन जेड़ा वा प्रभु यीशु मसीह है, उहदे सिवा अहीं उहदे कोल नहीं पहुंच सकते। ओ भैण और भरा, हर समय विच नबियां दी बेइज्जती कीती गई, मारिया गया, बेइज्जती कीती गई, मारिया गया। अज परमेश्वर सारे नु सवाल पूछण दिया वा, जो तुहाडे घर कोई सेवक आउंदा वा, जो तुहाडे घर कोई दास आउंदा वा, तो तुसीं की करदे जे? खुश हुंदे जे या दुखी हुंदे जे? कई लोग सोचते हैं कि यह नबी और पास्टर या सेवक सवेरे सवेरे मूँह चुक के साडे घर आ जाते हैं, आके बह जाते हैं, प्रार्थना करते, वचन सुनाते, चाह पीते, रोटी खाते, फिर चंदा ला जाते और चल जाते। ओ भैन भरा, कित तो इस तरह सोचन डे जे, तो अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन डिया वा, ताडा और मेरा जीवन कि तरह का वा। जो कोई परमेश्वर का दास या ताडे घर आउंदा वा, जां कोई प्रार्थना करने वास्ते आउंदा वा, जां तैनू वचन सुनाउण वास्ते आउंदा वा, ये नहीं समझना कि इहनू कम धंधा नहीं है ते बाइबल चुक के साडे घर आ गया वा। वो इस करके आउंदा वा क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा वा कि ताडे को वचन पहुँचे। हो भैण और भरा, इजराइलियों को हर वारी नबी जाते ही गए, पर परमेश्वर जो उन्होंने कहता हैगा नबियों कि जाके मेरे बच्चे इजराइलियों इस सुसमाचार सुना, तो इस करके वो नबी उस टाइम पर इजराइलियों को जाते ही। अज साडे भी घर कोई परमेश्वर का दास या परमेश्वर के लोग वचन सुनाने वास्ते आते हैं, ये नहीं समझ लेना कि अपना उन्होंने काम धंधा नहीं आ, तो आ गए साडे घर चाह पीण वास्ते, वो इस करके आते है गए ताकि तुहानू वचन सुना सके। ओ भैण और भरा, परमेश्वर ने जो ताडे वास्ते कलाई आशीष उहनू वो तुहानू दे सके। ओ भैण और भरा, कई लोगों ने जो परमेश्वर दा दास संदेश लैके परमेश्वर दे वचन नू लैके कहे दे कर जांदे आ, कई लोग बर्दाश्त नहीं करते, कई लोग बेइज्जती करते आ, कड़ी मुड़ी घर आ जाते हैं, कड़ी मुड़ी साडे घर आके रोटी खाते आ, कड़ी मुड़ी चाह पीते आ, कई लोग बेइज्जती करते, कई लोग दासां नू मारदे हैगे, कई लोग जान तो भी मार देंदे आ। ओ भैण और भरा, आज वचन दे नाल परमेश्वर अन्ना गल करन डिया, ताडा और मेरा जीवन कि तरह का वा, अहीं कि तरह जीण डे हैं अगे, अहीं नबियां दी दासां दी परमेश्वर दे दासां दी इज्जत करने आ या उन्हां दी बेइज्जती करने आ या उन्हां नू मारने आ या उन्हां दी कोई हानि करन दी कोशिश करन डे आ। ओ भैण और भरा, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल अड़ना गल कर लिया वा, जेड़े भी राजा ने जिन्हें भी सैनिकों को खिलाया है, इजराइलिया ने उन्होंने बेइज्जती की, थोड़िया मार दिता, इस करके राजा ने गुस्सा आया कि मेरे खिलाए हुए लोगों के नाल इन्होंने इस तरह किया वा, इस करके राजा ने उन्होंने सारियां बर्बाद कर दिता, उन्होंने नगर में फूक दिता। जय परमेश्वर के दासों के नाल कुछ गलत करने की कोशिश करांगे तो भैण और भरा, वचन कहता वा कि परमेश्वर नू क्रोध दिलावांगे, परमेश्वर अपने दूतों नू भेजूगा और हाडे जीवन नू वो नाश कर दूगा। इतना नाश होने तो पहलो पहलो आज परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू सारयां नू चेतावनी देण डिया वा। परमेश्वर कहता वा जे ताडा जीवन भी इस तरह का वा तो अपने जीवन तो तौबा कर लो, प्रार्थना करो। जे परमेश्वर तुहाडे नाल इस वचन दे नाल गल करदा वा तो अपने गोडियां ते बहो,
प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं दया कर